तुमने ये हक खो दिया है, तुम्हें ये बच्चा नहीं मिलेगा। तुमने ये हक खो चुके हो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते खुशी, सुनो, दूर हो जाओ। खुशी यार, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? अब क्यों आए हो मेरे पास, क्या मैं बात करनी है? मैं कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? तुम्हें पता है मैं प्रेगनेंसी में थी, तुम मुझे छोड़ के चले गए। उस टाइम पे मेरे को घर वालों ने भी धक्का दे दिया कि तुम मेरे साथ नहीं रहेगी। 9 महीने मैंने अकेले बच्चे को पाला, बच्चा पैदा किया। उस टाइम मेरी मत्ती मरी गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझ पे भी थोड़ा प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी? मैं आपसे इतना प्यार करती थी, फिर भी आप मुझे छोड़ के चले। आपको तो और लड़कियां पसंद आती, कभी उधर जाना कभी उधर जाना। मेरे को पता है मैंने कितने दर्द सहे उस बीच में। अरे फिर भी मैं तुम्हें इतना मिस करता था, इतना ढूंढ रहा था, मैंने ढूंढ ढूंढ के मैं पागल, क्या करते समझ में नहीं आ रहा था। क्या करते, कहाँ चली गई थी, क्या करते ढूंढ के, क्या करते ये बताओ। मैं क्या अकेले, पता है मैंने कैसे कैसे दिन निकाले, मुझे पता है। मेरे घर वालों ने भी मुझे अलग कर दिया, तुम भी अब मुझे छोड़ के चले गए। अब क्या लेने आए हो मेरे पास, क्या रह गया, कुछ रह गया बोलने को? अरे कुछ रहने गया खुशी, मैं तुम्हें कितना ढूंढा नहीं, इसकी वजह से मैं पूरा मतलब पागल हो गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था तुम क्यों मुझे चले गए, क्या हो गया मुझे, बिल्कुल मैं क्या करूं। उस टाइम तो तुम्हें और लड़कियां पसंद आ रही थी, कितनी लड़कियों के पीछे जाते थे, कहां गई वो सब लड़कियां, अब क्यों मेरे पास करने आए हो? लड़कियों में कुछ नहीं, मुझे नहीं था ना, तुम में जो मिला मुझे, तुमसे मैं जितना प्यार करता हूं ना, वो सब छोड़ दो। मैंने तुम्हें अभी देखा, 2 दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था ना, तो मैं इतना, मुझे में इतना खुशी हो रहा था, इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि, लग रहा था कि मेरी मतलब जिंदगी में इतना जान आ गया ना। फिर मैंने तुम्हें आवाज़ भी दिया, फोन भी किया, फिर तुम उस टाइम रिप्लाई नहीं कर रही थी मेरा। फिर मैंने तुम्हारे तो रह क्या गया हमारे बीच में, क्या रह गया ये बताओ? उस टाइम पे तुमने मेरा सपोर्ट करा नहीं करा? एक दर्द, एक औरत का दर्द जान सकते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना। सिर्फ मैंने खुशी तुम्हें 2 दिन पहले देखा, तुम्हें मैं इतना पागल हो गया था खुशी के मारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें पता भी है एक औरत का दर्द क्या समझ सकते हो? जब मेरे पास बच्चा था मैं अकेले घूमती, उस टाइम पे कहाँ चले गए थे? उस टाइम पे तो तुम्हें मैं नहीं नजर आई थी ना समाज में, कितनी समाज में मुझे कितना मेरे ऊपर लांछन उठाए गए कि तू ऐसी लड़की है, बिना शादी करे तू बच्चा पेट में लेके मैं घूम रही थी। मुझे पता है मेरे घर वालों ने बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करा। यार मुझे माफ कर दोस्तों, मुझे बिल्कुल समझ, मुझे होश नहीं आ रहा था उस टाइम, मैं क्या करूँ, क्यों कर दिया मैंने ऐसा, आज मुझे जब ये हो रहा है तो समझ में आ रहा है ना। अब क्या समझ आ रहा है तुम्हें, अब क्या समझ आ रहा है ये बताओ? उस टाइम पे तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया किन चीज़ों पर जा रही थी मैं, समाज वगैरह सब थूक रहे थे मेरे ऊपर कि शादी नहीं करी है, बच्चा लेके घूम रही है पेट में ना। उस टाइम पे तो मेरे साथ थे जब बच्चा पैदा हुआ ना, जब उस टाइम में मेरे साथ थे, तो आप क्या करोगे तुम मेरे साथ रह के? यार मैं उस टाइम में बिल्कुल, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, ये दिन आ जाएगा तुम्हारे नहीं साथ। अब मैं बहुत बहुत प्लीज मैं अपनी लाइफ में ना अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं अपने बच्चे के साथ। छोटा बच्चा है मैं, हाँ हमारा बच्चा भी है, हाँ मेरे पास बच्चा है जो, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अकेले कमा लूंगी, अकेले खा लूंगी। प्लीज खुशी, बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, बताओ मुझे, ना मुझे मुझे नहीं कुछ बात करनी है तुमसे, नहीं रखना मुझे, बता दो बच्चा कहाँ है। मैं नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। नहीं मेरे बच्चा से मुझे मिला दो ना प्लीज, एक बार बस दिखा दो। क्या अब तुम्हें बच्चा और मैं दिख रहे? उस टाइम पे तुम्हें नहीं दिखे थे, हमें तो ऐसे छोड़ के चला गया था, पता ही नहीं कहाँ ढूंढ रही थी मैं, समाज में मुझे कहीं नहीं मिल पाया था तू। मैंने भी तुम्हें कितना जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, हर जो मुझसे बन पाया मैं सारा कर रहा था, मुझे तुम चली गई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है। खुशी ऐसा मत करो, बच्चा कहाँ है, मेरा मेरे बच्चे से एक बार बस दिखा दो मुझे, से नहीं मिला खुशी, प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ खुशी, प्लीज ऐसा मत करो, बोलो ना प्लीज। बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं खुशी ऐसा मत बोलो, तुम उस टाइम पे नहीं देखा तुमने मुझे, जो बोलोगी आगे से तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, बस तुम मेरे साथ कमा रही हो और अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, बाहर समाज में मैं कैसे भटक रही थी वो चीज मुझे पता है। एक दर्द है जो मैं ही समझ सकती हूँ, तुम नहीं समझ सकते। मैं समझ रहा हूँ खुशी, तुम पे जो बीती है वो चीज मैं जान सकता हूँ कि अब आज तुम पे क्या वो बीती होगी उस दिनों में, बट आज अब तो मैं आ गया हूँ ना, मुझे माफ कर दो खुशी, मेरे साथ आ जाओ प्लीज। नहीं मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे से।
मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे बच्चा साथ। है, मुझे एक बार बच्चे को दिखा दो, बच्चे से मिला नहीं, दो, प्लीज, खुशी। बच्चे से मैं नहीं दिखा सकती खुशी, ऐसा मत बोलो प्लीज, नहीं, नहीं। एक बार मुझे बस एक बार बस दिखा दो, तुम्हारी मेरी नजर क्या, तुम्हारे से उस पर परछावा भी नहीं आना देना चाहती मैं। जैसे तुमने किया ना, मैं उस बच्चे को बिल्कुल ही दूर रखूंगी इस चीज से कि उसे पता भी ना चले कि तुम उसके बाप थे। तुमने उस टाइम पे कितने गलत इल्जाम लगाया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, हैं? समाज में ये सीधा एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैंने ये नहीं करा, मेरा बच्चा नहीं है, जहाँ जाना जाओ, जो करना करो। खुशी प्लीज एक बार मुझे माफ करो, मुझे समझो। क्या माफ, क्यों माफ करो, क्या माफ करो? तुमने देखा था उस टाइम में मैं कितनी परेशान थी, और मुझे छोड़ के जब तो चले गए, जब तो तुम्हें अयाशी करनी थी, अयाशी करनी थी तुम्हें। तुमने उस टाइम मुझे क्या कहा था, इस बच्चे को मार दो, इतनी बड़ी बात सुनी थी मैंने, तुमने कहा इस बच्चे को मार दो, उस बच्चे को मैं रखा है, मैं पाल रही हूँ, तो मेरी जिंदगी में मत आओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो ना, हो गई मेरे से गलती, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, प्लीज अब मेरी जिंदगी से चले जाओ, मेरे को दूर हो जाओ। ऐसा मत बोलो, मुझे मुझसे माना, मैंने मुझसे गलती हुई है, मुझे क्यों उस टाइम तुम्हें वो लड़कियाँ पसंद आ रही थी, हर दिन अयाशी करनी थी, तुमने मेरे बच्चे तक मारने की बात करी थी, मैं क्या करती उस टाइम, मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी, मेरे माँ बाप थे, हमारे माँ बाप मुझे छोड़ गए, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, समाज में भी नहीं रह पाई, मैं क्या करती, कहाँ जाती, पता है तुम्हें, जब तुम मुझे ये बात बोल रहे हो। खुशी उस टाइम देखो मुझ पे कुछ मेरे को, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ नहीं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के साथ खुश हूँ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मत करो, मुझे बस एक बार मेरे बच्चे से मिला दो कम से कम, तो मेरी जिंदगी से अब निकल जाओ, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, मैं आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ठीक है? उस टाइम आप तुमने मेरे पे बिल्कुल दया नहीं करी, तो अब मुझे भी तुम्हारे पर कोई दया नहीं आ रही है, ठीक है? मत बोलो, कोई दया नहीं आ रही है मुझे, कोई बात की नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चाहे तुम मुझसे कितनी माफी मांगो, मैं अब तुम्हें नहीं माफ कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं, तुम मेरे से दूर हो, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती थी, मैं सब चीजें कर रहा हूँ, पर आप गलती मानने से क्या फायदा, आप क्या फायदा गलती मानने से, जिस टाइम में मुझे तुम्हारी जरूरत थी उस टाइम तो तुम मेरे साथ नहीं थे, मेरे साथ रहे, मैंने इतना प्यार करा था, लेकिन तुमने क्या करा, और लड़कियों के साथ जाके अयाशियां करी है, कभी उस लड़की के साथ, कभी किस लड़की के साथ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, फिर भी मैंने सारी चीज़ें बर्दाश्त करी थी, लेकिन तुमने मुझे ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक औरत को जरूरत होती है ना, उस टाइम पे तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, देखो मैंने, तुमने मुझसे कहा था बस मैं इस बार इस वजह से आखिरी बार तुमसे मिलने आ गई, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत काम कर रही हूँ, सही हूँ मैं, ठीक है? तुम मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करो प्लीज। नहीं खुशी, मुझे माफ कर दो, तुम दोबारा, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हें जिंदगी क्या फायदा, अब इन चीजों का क्या फायदा, इस चीजों का कोई फायदा नहीं है, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, अब मैं बहुत अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से बिता रही हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी मुझे बिताने दो, और तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ऐसा मत बोलो खुशी, जो भी होगा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम जो बोलोगे। नहीं प्लीज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, रति दी आना जरा, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में, बताओ ठीक है ना? नहीं मैं कोई मौका नहीं दूंगी, मैं पीछे होके बात करूँ, दूर हो मेरे से। क्या लो, ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है, अरे दूर हो, तुमने यह खो दिया है, तुम्हें ये बच्चा नहीं मिलेगा, छोड़, देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुमने यह खो चुके हो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको पाल लूंगी और रख लूंगी इसको, नहीं इतना वो मत दिखाओ, मत दिखाओ, अभी तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा, तुमने तो कहा था ना इस बच्चे को मारने के लिए, एक बार मुझे बच्चा दे दो, मुझे बस एक बार गोद में ले लो, नहीं नहीं दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या इसकी, तुम्हारी परछाई भी इसके ऊपर नहीं पड़ने दूंगी कभी भी, नहीं बच्चे से बिल्कुल बच्चे को हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है? जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मैं जब जरूरत थी इस आदमी की, जब तो ये मेरे साथ था नहीं, आज कुछ बच्चे को मेरे पे तरस आ रहा है, क्या सुनूं इस आदमी की बात, ये भी क्या गलत बोल रही है, आप किस चीज पे हाथ जमा रहे हो, किस बच्चे पे हाथ जमा, अब मैंने इसको पाला है, खत्म कर दो। उस टाइम मुझे समझ में लगा कुछ और नशे में पड़ गया था, खुशी दूसरे के बात में पढ़ के खुशी, एक औरत की फीलिंग आप समझ सकते हो कि जब बच्चा पेट में था तब इसने नहीं, मेरी जिंदगी से और मेरे बच्चे की जिंदगी से दूर हो
नहीं कर सकती खुशी सुनो दूर हो जाओ नहीं।